अंतर्राष्ट्रीय जम्बूरी कैंप में राष्ट्रीय अवार्ड के लिए निधि कुमारी का चयन किए जाने पर सम्मान समारोह का आयोजन नई बहुला विशहरी असरगंज में बुधवार को किया गया। इस समारोह की अध्यक्षता पंचायत की मुखिया डॉक्टर राकेश ने की और मंच संचालन वायुसेना से सेवानिवृत्त मुकेश कुमार ने किया। देखिए पूरी खबर विस्तार से हमारे संवाददाता राजेश चौधरी के साथ। जब मैं मध्य विद्यालय जलालाबाद में थी तो उस टाइम सुमेरन भैया का कैंप लगा था जो असरगंज प्रखंड के सीनियर स्काउट हैं, तो उन्होंने मुझे बताया स्काउटिंग के बारे में। उसी समय मतलब कि मेरा थोड़ा उत्साह जागा, मैंने मम्मी पापा से पूछा कि करूं या ना करूं, तो फिर पापा बोले ठीक है कर लो। तो उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया, फिर उसके बाद वो लेवल करने के बाद फिर मैं मुंगेर गई। मुंगेर में भी वहाँ पर मैंने बहुत कड़ी मेहनत की। फिर उसके बाद जम्बूरी कैंप के लिए जो राजस्थान में हो रहा है उसके लिए मुझे चयनित किया गया, जहाँ का उद्घाटन द्रौपदी मुर्मू जी कर रही है। हम लोग मुंगेर से 21 दिसंबर को जा रहे हैं, वहाँ पे जिला प्रशासन के द्वारा हरी झंडी दिखा करके हम लोग को विदा किया जाएगा। समय मैं 8वीं क्लास में थी। आगे का संदेश यही है कि स्काउटिंग बहुत अच्छी चीज़ है और मैंने किया, मुझे भी बहुत अच्छा लगा और गांव में सभी बच्चे को करना चाहिए। इससे इसका सबसे बड़ा योगदान है कि अनुशासन, बच्चे में अनुशासन अच्छे तरह से आता है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि असरगंज से तो और कोई नहीं जा पाया, मैं जा रही हूँ तो बहुत अच्छा लग रहा है और सब लोग भी बोल रहे हैं कि जा रही है अच्छा करके आना। उन लोगों को भी मैं धन्यवाद करती हूँ कि मेरे लिए बोले। क्या नाम हो आपका? मेरा नाम निधि कुमारी। अभी कौन सा स्काउट गाइड में आप कर रहे थे? मेरा राज्य पुरस्कार कंप्लीटेड। उसने बहुत मेहनत की है इस वजह से वो आगे जा पाई है। उनका स्पोर्ट्स बहुत अच्छा है इस वजह से भी। बहुत ज़्यादा खुशी है कि दीदी राष्ट्रपति अवार्ड के लिए चुनी गई है। दर वो और सक्सेस हो अपनी लाइफ में। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अदिति कुमारी। अब निधि का छोटी बहन है। हाँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं चाहूँगी कि गांव के लोग और जहाँ के भी हैं सभी पेरेंट्स जो हैं एकदम जागरूक हों और बेटी को जहाँ तक हो सके आगे उसको बढ़ने का मौका दें। और ये भी जा रही है और सभी जाएं। मुझे तो बहुत खुशी है और मैं चाहूँगी कि गांव के लोग और भी जिला प्रखंड के असरगंज के मुंगेर के सभी लोग अपनी बेटी को भी कहीं बाहर जाने का मौका दें, कुछ करने का मौका दें और जहाँ तक हुआ हुआ अपनी ऊंचाई के शिखर पे पहुँचे। आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम ललिता देवी। आप निधि का कौन लगती है? निधि मेरी बेटी है, मैं उसकी मम्मी। हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है और लेकिन मैं एक संदेश देना चाहता हूँ गांव वालों को कि जितने भी अभिभावक हैं सबसे पहली बात कि बेटा और बेटी में कोई फर्क नहीं समझें और बेटी जो दर्द को समझती है वो बेटा कभी नहीं समझ सकता है और बेटी को हमेशा प्रोत्साहित करें, प्रोत्साहन दें किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए। मेरा यही संदेश है पूरे मुंगेर वासियों के लिए कि बेटा हो या बेटी फर्क ना समझे और बेटी को खास करके प्रोत्साहित करें किसी भी काम को करने के लिए, जितना सहयोग हो सके उनको दें। हम बिजनेस करते हैं, दुकानदार हैं, शॉपकीपर हैं। अब कितना सहयोग आपका रहा बेटी में? जहाँ तक होता है मैं पूरे सहयोग पूरा ही सहयोग करते हैं। मेरी बेटी राष्ट्रपति पुरस्कार लेने के लिए चयनित हुआ है। क्या नाम है? द्रौपदी मुर्मू जी पुरस्कृत करेंगे और हमें बहुत अच्छा लग रहा है। क्षेत्रवासी के लिए भी बहुत सहयोग रहा, जैसे कि बहुत बड़े बड़े वो मुखिया जी लोग भी आए थे और जिला प्रतिनिधि भी आए थे और कई स्कूल वायुसेना के लोग भी थे जिनका नाम हमें मालूम नहीं, भूल गए हैं, और सभी कोई मिल करके हमारी बच्ची को प्रोत्साहित किया। इससे बहुत खुशी मिली हमें।
क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राजकुमार है। यार बाइट चल रहा है। देखिए आज एक असरगंज पंचायत के अंतर्गत न्यू बस्तरी स्थान में सम्मान समारोह कार्यक्रम किया गया था। मालूम हो कि अंतर्राष्ट्रीय जम्बूरी कैंप जो कि राजस्थान राज्य में पड़ता है, इसमें भारत एंड स्काउट गाइड के 5,000 छात्र छात्राओं का पूरे विश्व में चयन किया गया है, जिसमें मुंगेर जिला अंतर्गत 18 छात्र छात्राएं हैं, उनमें से मात्र एक असरगंज पंचायत से निधि कुमारी का चयन किया गया है, जिनकी माता का नाम ललिता देवी एवं पिता श्री राजकुमार शाह हैं, जो कि एक छोटा मोटा दुकान चलाते हैं और काफ़ी मेहनत करके वह इस मुकाम तक पहुँची हैं। लगभग 9 महीने के अपने इस छोटे से प्रयास में वह अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कर रही हैं। यह हमारे लिए नहीं पूरे देश के लिए गौरव की बात है। आज उन्हीं को सम्मानित करने के लिए एक छोटा सा समारोह रखा गया था। उस जम्बूरी कैंप में निधि कुमारी को वर्तमान में जो हमारे देश के राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू हैं उन्हें सम्मान करेंगे। उनका सम्मान के साथ साथ यह हमारे मुंगेर जिला के साथ साथ असरगंज पंचायत का भी सम्मान है। मैं असरगंज पंचायत के मुखिया डॉक्टर राकेश कुमार के नाता उनको शुभकामनाएँ देता हूँ और भी आगे बढ़ने के लिए मेहनत करता हूँ।